देखिए कह रहा कि एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है ना एबीसीडी में, तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं और वो चक्रीय है यानी कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 है ना। वृत्त ऊपर से नहीं भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जान लीजिए कि ये चक्रीय है यानी कि आमने सामने के जो सम्मुख कोण है उनका योग क्या है 180। और कह रहा कि ए डी समांतर है बी सी, ए बी सी डी देखिए आ गया ना ए डी समांतर है बी सी। अच्छा ये 70 दिया है तो बाकी कोण निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि देख लीजिए आप एंगल बी और प्लस एंगल डी बराबर चलिएगा तो 180 डिग्री होगा ना क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो ये 70 है तो यहाँ से एंगल डी नहीं आ जाएगा आपका है ना, 180 में से ले जाके इसको घटा देंगे तो एंगल डी बराबर आ जाएगा 110 डिग्री, समझ गए। अच्छा एक और चीज जान लीजिए कि समलंब चतुर्भुज है ना, तो समलंब चतुर्भुज का एंगल ए और एंगल बी ये दोनों मिला के ये भी तो 180 होता है, समलंब है तो ये दोनों का भी तो 180 हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहां से ए का वैल्यू निकालने के लिए आप बी का वैल्यू रख दीजिए तो यहां से आपको ए का भी वैल्यू मिल जाएगा 110। चलिए ए का भी हो गया, अब बच गया सी का, तो आपको ये दिख रहा है ना कि एंगल सी प्लस ए यानी कि ये भी तो है ना, सम्मुख कोणों का योग 180 होगा ना चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय भी और समलंब भी है तो ये समलंब की वजह से हो रहा है और ये दोनों चक्रीय की वजह से हो रहा है, तो एंगल सी निकालना है और ये आप अभी निकाले हैं 110 तो यहाँ से एंगल सी बराबर नहीं निकल जाएगा 70 डिग्री, समझ गए ना। चलिए यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ ये कैसे होगा तो एक ही तरफ के अंतः कोण है ना ये, यस है ना, एक ही तरफ के अंतः कोण है इसके कारण ये हो रहा है। क्वेश्चन नंबर